hello students welcome to my youtube channel maths karda by sakshi Chauhan. i hope you guys are doing well and enjoying this session then press the like button share it with your friends and don't forget to subscribe to my channel and hit the bell icon also so that you get the notification of my new upcoming videos so today i'll discuss 25 and 26 question of 6.5 exercise so let's start the video

कि सेमी वर्टिकल एंगल इज इक्वल टू टेन इनवर्स अंडर रूट ये आपको शो करना है और गिवन स्लॉंट हाइट का मतलब क्या है एल इज द कॉन्स्टेंट ठीक है ये मत समझना कि स्लॉट हाइट गिवन है आपको टेन इनवर्स अंडर रूट टू नहीं स्लांट हाइट आपको गिवन है दैट मीन्स एल क्या है कॉन्स्टेंट है और सेमी वर्टिकल एंगल इज इक्वस टू टेन इनवर्स अंडर रूट टू ये आपको शो करना है और एक और चीज़ आपको शो करना है मैक्सिमम वॉल्यूम किसका कोन का तो वॉल्यूम को आपको मैक्सिमाइज़ करना है ओके सो स्टूडेंट्स मैंने क्या मान लिया है सेमी वर्टिकल एंगल को ठीटा मान लिया है ठीक है सबसे पहले आप समझो व्हाट इज सेमी वर्टिकल एंगल दिस इज द कोन दिस इज द हाइट ऑफ द कोन रेडियस ऑफ द कौन एंड दिस इज द स्लांट हाइट ऑफ द कोन ओके ये क्या है वर्टिकल लाइन है ये औरजोनटल लाइन है तो ये क्या है वर्टिकल एंगल ये पूरा है वर्टिकल एंगल लेकिन सेमी वर्टिकल का मतलब क्या है आधा तो ये क्या होगा इतना जो एंगल होगा ये होगा सेमी वर्टिकल एंगल ओके सो लेट सपोज सेमी वर्टिकल एंगल भी थीटा सो so, हमें क्या शो करना है सेमी वर्टिकल एंगल के प्लेस पे हम रख सकते हैं थीटा दैट मीन्स थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स अंडर रूट ये आपको शो करना है और आप ये भी शो कर सकते हो टेन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट ओके तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है उसके बाद थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स अंडर रूट लेके आना है और आपको गिवन है स्लॉन्ट हाइट ठीक है गिवन स्लांट हाइट का मतलब क्या है इज द कॉन्स्टेंट ओके सो वी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द कोन विच इज़ वन अपॉइंट थ्री पाईआर स्क्वायर एच ओके अब स्टूडेंट्स हमें हमारे पास और कोई इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है जिससे हम इसको एक ही वेरिएबल में चेंज कर लें क्योंकि आपको डिफेंशिएट करना पड़ेगा सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई करना पड़ेगा वी को क्योंकि वी को आपको क्या शो करना है मैक्सिमाइज शो करना है ठीक है वॉल्यूम को आपको मैक्सिमाइज करना है तो इसको एक वेरिएबल में कैसे कन्वर्ट करेंगे लेकिन आपको इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है इज द कॉन्स्टेंट मतलब स्लान टाइट आपको गिवन है तो वॉट इज द रिलेशन बिटवीन स्लान टाइट रेडियस एंड द एच एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच ये होता है एच स्क्वायर तो यहाँ से आप आर स्क्वायर की वैल्यू इज़ीली निकाल सकते हो विच इज एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर अब ये आर स्क्वायर की वैल्यू आप इसमें पुट कर सकते हो तो क्या हो जाएगा वॉल्यूम इज इक्वस टू वन पॉइंट थ्री पाई आर स्क्वायर प्लेस पे क्या रख दोगे आप एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर और ये हो गया एच अब ये स्टूडेंट्स कन्वर्ट हो चुका है एक ही वेरिएबल में वेरिएबल क्या है यहाँ पे एच और एल क्या यहाँ पे कांस्टेंट है तो तो आप इस वी को किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे एच के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे ओके उससे पहले आप अंदर एच की मल्टीप्लाई कर लो तो यहाँ पे हो जाएगा एल स्क्वायर एच माइनस एच क्यूब ठीक है सो डिफ्रेंशिएट दिस वी विद रिस्पेक्ट टू एच वी गेट ये तो कॉन्स्टेंट है बाहर एज इट इज़ आ जाएगा यहाँ पे एच का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा वन लेकिन कॉन्स्टेंट क्या है एल स्क्वायर तो ये एज इट इज़ अब एच क्यूब का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा पावर आगे पावर में से एक सेब्रैक्ट हो जाएगा ठीक है इसके बाद हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू जीरो पुट करेंगे फॉर द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू और यू कैन सी दैट द फॉर द क्रिटिकल पॉइंट्स ओके अब फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू जीरो पुट किया तो हमें यहाँ से किसकी वैल्यू मिलेगी एच की वैल्यू जिसके भी रिस्पेक्ट में आप डिफ्रेंशिएट कर रहे होते हो उसी की वैल्यू मिलेगी यहाँ से तो एच की वैल्यू आपके पास आ चुकी है प्लस माइनस अपॉन अंडर रूट थ्री ठीक है अब स्टूडेंट्स एच के यहाँ हाइट होती है ठीक है हाइट कभी भी नेगेटिव तो नहीं हो सकती तो एच क्या हो गया पॉजिटिव अपॉन अंडर रूट थ्री आई होप इट्स क्लियर सो स्टूडेंट्स हमारे पास हाइट आ चुकी है अपॉन अंडर रूट थ्री ठीक है अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे सेकेंड डेरिवेटिव और चेक करेंगे कि सेकेंड डेरिवेटिव आपको क्या साइन दे रहा है क्योंकि हमें क्या करना है वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है तो सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई करेंगे तो फर्स्ट डेरिवेटिव हम निकाल चुके थे सेकेंड डेरिवेटिव क्या आ जाएगा ये क्या है कॉन्स्टेंट बाहर एज इट इज आ जाएगा एल क्या है कॉन्स्टेंट है जीरो आ जाएगा इसका डिफेंसिएशन थ्री एच स्क्वायर का डिफेंसिएशन क्या आ जाएगा थ्री टू जिक्स एच ठीक है माइनस साइन के साथ जब आप इसके अंदर इस बाहर से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा माइनस टू बाई इन टू वे विच इज लेस देन जीरो माइनस का साइन मिल रहा है आपको सेकेंड डेरिवेटिव आपको माइनस साइन दे रहा है 0. इसका मतलब क्या हुआ हैंस वॉल्यूम ऑफ द कोन इज मैक्सिमम ओके एक पार्ट तो आपका प्रूफ हो चुका है इस क्वेश्चन में अब आपको क्या शो करना है दूसरा पार्ट कि सेमी वर्टिकल एंगल इज इक्वस टू टेन इनवर्स अंडर रूट टू बेसिकली आपको क्या शो करना है टेन थीटर इज इक्वस टू अंडर रूट टू ठीक है अब ये डायग्राम हमने बनाया था स्टूडेंट्स this is the semi vertical angle, this is the height and this is the radius and this is the slant height of the cone. okay, अब हमें क्या apply करना है यहाँ pe tan theta लेके आना hai tan theta is इक्वल to under root 2 तो देखो theta यहाँ पर है जब भी आप ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टीज लगाओगे तो वो कैसे लगती है स्टूडेंट्स ये जो theta है वो एस इस तरीके से आना चाहिए बेस पर आना चाहिए ठीक है तो मैंने क्या किया इस ट्राइंगल को इस तरीके से शिफ्ट कर दिया मतलब ये जो परपेंडिकुलर था इसको बना दिया मैंने बेस ये क्या है बेस था ये बन गया परपेंडिकुलर और ये हाइट तो एज इट इज आ गई ठीक है मतलब ए ओ बी को आपने शिफ्ट कर दिया ऐसे ए ओ बी ठीक है अब ये जो 90 डिग्री है इधर भी तो 90 डिग्री बनेगा जब आप इसको ऐसे शिफ्ट करोगे तो यहां पर भी 90 डिग्री बनेगा ये थीटा जो सेमी वर्टिकल एंगल है वो इधर आ गया ठीक है अब आप यहाँ पे इजिली प्रॉपर्टी लगा सकते हो ठीक है इन ट्राइंगल ओ ए बी में टेन थीटा क्या होगा क्योंकि आपको एक तरफ तो यहाँ से मिल जाएगी इजिली टेन थीटा टेन थीटा क्या होता है स्टूडेंट परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो परपेंडिकुलर के यहाँ पे आर बेस के यहाँ पे एच तो आर अपॉन एच इज इक्वल टू टेन थीटा ठीक है अब हमारे पास ये एल एच एस तो आ चुका है आपको क्या शो करना है राइट हैंड साइड में अंडर रूट टू इसका मतलब आर अपॉन एच को आपको क्या शो करना पड़ेगा अंडर रूट टू ठीक है तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स देखो अब एच की वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू जीरो पुट करके जो कि क्या आई थी एल अपॉन अंडर रूट थ्री अब आपको आर की वैल्यू निकालनी है अब आर की वैल्यू कैसे निकालोगे क्योंकि हमारे पास एक रिलेशन होता है स्टूडेंट आर एच और स्लान टाइप में आर स्क्र आर स्क्वायर प्लस एच स्क्र इजीक्वस टू एल स्क्वायेयर ठीक है अब यहाँ पे आप एच स्क्वायेयर की वैल्यू पुट कर सकते हो क्योंकि एच की वैल्यू क्या है एल अपॉन अंडर रूट थ्री यहाँ पे एच की वैल्यू पुट कर दी अब देखो यहाँ पे एल की टर्म है यहाँ पे एल की टर्म है तो एल की टर्म को एक तरफ शिफ्ट कर दिया तो मुझे यहाँ से आर स्क्वायर की वैल्यू मिल गई टू एल स्क्वायर अपॉन थ्री तो आर की वैल्यू क्या आ गई अंडर रूट टू अपॉन अंडर रूट थ्री इन एल ओके okay. और हमें यहाँ पे क्या मिल गया था टेन थीटा इज इक्वल टू आर अपॉन एच तो टेन थीटा इज इक्वल टू आर अपॉन एच अब आर के प्लेस पे आर की वैल्यू रख दो जो कि एल की टर्म में विच इज अंडर रूट टू अपॉन अंडर रूट थ्री इन टू एल और एच की वैल्यू क्या है एल अपॉन अंडर रूट थ्री तो एल अपॉन अंडर रूट थ्री तो इस अंडर रूट से ये वाला अंडर रूट थ्री कैंसिल आउट हो जाएगा एल से एक एल ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बचेगा इधर

एंड द maximum वॉल्यूम इज साइन इनवर्स वन upon थ्री तो इस क्वेश्चन की भी स्टूडेंट सेम लैंग्वेज है जो कि क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव की थी आपको शो करना है सेमी वर्टिकल एंगल किसका राइट सर्कुलर कौन का जिसका सर्फेस एरिया आपको गिवन है और वॉल्यूम क्या है उसका मैक्सिमम है इज साइन इनवर्स वन अपॉन थ्री इज साइन इनवर्स वन अपॉइंट थ्री का मतलब क्या है सेमी वर्टिकल एंगल सेमी वर्टिकल एंगल थीटा इज इक्व टू साइन इनवर्स वन अपॉइंट थ्री ये आपको शो करना है बेसिकली आपको क्या शो करना है साइन थीटा इज इक्वल टू वन पॉइंट थ्री ओके सो दिस थीटा इज द सेमी वर्टिकल एंगल सो दिस इज द कोन दिस इज द हाइट दिस इज द रेडियस दिस इज द स्लांट हाइट ऑफ द कोन एंड दिस इज द वर्टिकल एंगल तो सेमी वर्टिकल क्या हो जाएगा ये वाला वर्टिकल हो जाएगा सेमी वर्टिकल ठीक है सेमी वर्टिकल मतलब आधा ओके okay? और क्या गिवन आपको सरफेस एरिया गिवन है इसका मतलब क्या है सरफेस एरिया गिवन होने का मतलब क्या है एस के आई कांस्टेंट और सरफेस एरिया क्या होता है स्टूडेंट्स कर्ड सरफेस एरिया ऑफ द कौन प्लस एरिया ऑफ द सर्कल तो कर्ड सरफेस एरिया ऑफ द कॉन क्या होता है पाई आर एल प्लस सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर तो सरफेस एरिया क्या बन जाएगा पाई आर आर प्लस एल ठीक है अब स्टूडेंट्स एल के प्लेस पे आप क्या रख सकते हो क्योंकि आपको पता है एल स्क्वायेयर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है तो एल के प्लेस पर आप रख सकते हो एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इन अंडर रूट ठीक है बस इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दिए जब इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर फिर पाई आर और ये वाले टर्म एज इट इज़ ठीक है ये आ गई आपके पास एस की वैल्यू आपको क्या करना है वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है ठीक है ये तो आपको चीज़ गिवन है आप इसको आगे भी फर्दर सॉल्व करोगे वो हमें पता चलेगा वॉल्यूम पर कि हमें किसकी वैल्यू यहाँ पे चाहिए ठीक है इसको आगे हमने तब सॉल्व करेंगे तो वी क्या है वॉल्यूम ऑफ द कोन जिसको हमें मैक्सिमाइज करना है और वॉल्यूम ऑफ द कोन क्या होता है पाई अब स्टूडेंट्स इसको मुझे मैक्सिमाइज करना है तो सबसे पहले मुझे एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा अब एक वेरिएबल में कन्वर्ट करने के लिए या तो मैं इसको एच में कन्वर्ट कर लूँ पूरे को या फिर मैं आर में कन्वर्ट कर लूँ लेकिन मुझे कंडीशन क्या गिवन है मुझे सर्फिस एरिया गिवन है तो मैं यहाँ से देखो मुझे किसकी वैल्यू मिल सकती है या तो आर स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी या एच स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी ठीक है तो मैं यहाँ से वैल्यू निकाल लेती हूँ किसकी एच स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेती हूँ क्योंकि एच स्क्वायेर की वैल्यू ईजीली निकल जाएगी तो देखो कैसे निकलेगी यहाँ पे एस माइनस ई वाली टर्म आ जाएगी आर की वैल्यू क्यों ईजिली निकले नहीं निकलेगी स्टूडेंट्स क्योंकि देखो आर स्क्वायर यहाँ पे भी है यहाँ पर भी है और इसके अंदर भी है ठीक है और बस एक एच ही है जो एक तरफ है तो हमने क्या करा एस माइनस पाई आर स्क्वायर ये क्या है मल्टीप्लाई में इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में अंडर रूड पाई एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर तो दोनों तरफ मैंने स्क्वायरिंग कर दी तो मुझे एच स्क्वायर की वैल्यू क्या मिल गई वैल्यू तो आपके पास आ चुकी है स्टूडेंट्स तो आपके पास अब हमें तो किसकी चाहिए थी वैल्यू एच की चाहिए थी या फिर आर स्क्वायर की चाहिए थी अब यहाँ से एच की वैल्यू आप निकालोगे तो अंडर रूट में आ जाएगी तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और तो स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे एच स्क्वायर की वैल्यू मिल गई तो हम एक काम कर सकते हैं हम क्या कर सकते हैं इसको भी एच स्क्वायर बना सकते हैं वो कैसे बनाएंगे अगर हम दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दें तो यहाँ पे हो जाएगा वी स्क्वायर ये हो जाएगा वन पॉइंट नाइन यहाँ हो जाएगा पाई स्क्वायर आर की पावर टू का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा आर की पावर फोर और ये हो गया एच स्क्वायर ये हमने क्यों किया है ताकि हम अंडर रूट से बच जाएँ ठीक है तो यहाँ पर एच स्क्वायर की वैल्यू हम रख सकते हैं जो कि क्या आ चुकी है ये वाली ठीक है अब यहाँ पर एच की वैल्यू हमने रख दी तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू ये बन गया ओके सो स्टूडेंट्स वी स्क्वायर हमारे पास आ चुका है ये ठीक है अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन कर देंगे और इस वाले टर्म को बाहर ले लेंगे ताकि कैंसिल आउट हो जाए तो ये कैंसिल आउट हो गया तो बाहर क्या बचा आर स्क्वायर अपॉन नाइन और यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी और ये वाले टर्म एज इट इज ठीक है तो ये वाले टर्म और ये वाले टर्म कैंसिल आउट हो गई यहाँ से एस कॉमन आ गया एस कॉमन लेने के बाद अंदर क्या बचा है एस माइनस टू बाई आर स्क्वायर और बाहर क्या है आर स्क्वायर अपॉन नाइन विच इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अब स्टूडेंट्स आपको क्या करना है वॉल्यूम को मैक्सिमाइज़ करना है दैट मीन्स आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा वी को तो वी को आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या करो, करोगे टू आ जाएगा पावर में से सेक्स अब्ट्रैक्ट हो जाएगा फिर डी वी बाई डी आर करोगे ठीक है तो वहाँ पे फिर दोबारा v की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो उससे अच्छा क्या करेंगे हम यहाँ पे हम वी स्क्वेयर को कुछ वेरिएबल सपोज कर लेते हैं लेट सपोज मैंने इसको z ले लिया ठीक है तो z इज इक्वल टू ये वाली टर्म एज इट इज़ आ गई बस r के अंदर मैंने मल्टीप्लाई कर दी अब आप क्या करोगे आपको ये मैक्सिमाइज करना है इस z को मैक्सिमाइज करना है क्योंकि हमने क्या सपोज कर लिया वी स्क्वायर इज इक्वल टू जेड तो इसको मैक्सिमाइज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा सबसे पहले डिफरेंशिएट करना पड़ेगा डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करोगे आर के रिस्पेक्ट में करोगे क्योंकि एस क्या है सरफेस एरिया जो कि आपको गिवन है इसका मतलब एस क्या हो गया कॉन्स्टेंट सो डिफ्रेंशिएट जेड विद रिस्पेक्ट टू आर वी गेट ये वन अंट नाइन तो कॉन्टेंट है एज इट इज आ जाएगा ये एस भी कॉन्स्टेंट है बाहर एज इट इज रहेगा यहाँ पे क्या हो जाएगा आर स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन टू आर और मल्टीप्लाई में क्या है एस यहाँ पे क्या हो जाएगा ठीक है अब आप क्या करोगे फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू जीरो पुट करोगे फॉर द क्रिटिकल पॉइंट्स और फॉर द मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू जीरो पुट किया तो फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू जीरो आ गया यहाँ से हमें क्या मिली स्टूडेंट्स ये एस जीरो हो गया और हमें क्या मिला टू एस आर इज इक्वल टू एट पाई आर क्यूब ठीक है टू से टू कैंसिल हो गया एट कैंसिल हो गया फोर टाइम्स आर से एक आर कैंसिल आउट हो गया तो आर स्क्वायर बचा तो हमारे पास क्या बचा एस इज इक्वल टू फोर पाई आर स्क्वायर आपको वैल्यू किसकी मिलेगी यहाँ से जिसके भी रिस्पेक्ट में आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हो तो आर स्क्वायर की वैल्यू आपके पास आ चुकी है एसअपोन फोर पाई तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी एसअपोन फोर पाई टू दार वन बाई टू ओके अब स्टूडेंट्स आप क्या फाइंड आउट करोगे सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करोगे फर्स्ट डेरिवेटिव आप निकाल चुके हो फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू जीरो पुट करके आपने क्रिटिकल पॉइंट भी निकाल लिए अब सेकंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा वन अपॉइंट नाइन तो कांस्टेंट है एज इट इज आ जाएगा ये एस बाहर कॉन्टेंट है एज इट इज टू एस आर का डिफेंसीिएशन मतलब आर का डिफेंसीिएशन विद रिस्पेक्ट टू आर क्या होगा वन हो जाएगा तो टू एस बचेगा यहाँ पर क्या हो जाएगा पावर आगे आ जाएगी एट थ्री जर ट्वेंटी फोर पाई आर की पावर टू ओके अब आपको ये चेक करना है कि सेकेंड डेरिवेटिव आपको पॉजिटिव साइन दे रहा है या नेगेटिव साइन दे रहा है क्रिटिकल पॉइंट ओके तो ये वन अपॉइंट नाइन एस ये वाली टर्म एज इट इज आ गई तो हमने क्या पुट किया स्टूडेंट्स हमें ये चेक करना है कि सेकेंड डेरिवेटिव आपको पॉजिटिव साइन दे रहा है या नेगेटिव साइन दे रहा है एट द क्रिटिकल पॉइंट और क्रिटिकल पॉइंट हमारा क्या आया था आर स्क्वायर इज इक्वस टू एस अपॉन फोर पाई जब हमने फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू जीरो पुट किया था तो यहाँ पे हमने किसकी वैल्यू पुट कर दी आर स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी जब हमने यहाँ पे आर स्क्वायेर की वैल्यू पुट करी तो मुझे ब्रैकेट के अंदर क्या मिला टू एस माइनस सिक्स एस विच इज माइनस फोर एस और माइनस फोर एस की अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगी एस से और डिवाइडेड बाय नाइन करूंगी तो मुझे क्या मिलेगी कोई नेगेटिव वैल्यू ही मिलेगी इसका मतलब क्या है लेस देन जीरो सेकेंड डेरिवेटिव क्रिटिकल पॉइंट पर आपको नेगेटिव साइन दे रहा है दैट मीन्स लेस देन जीरो दे रहा है इसका मतलब क्या हो गया वॉल्यूम ऑफ द कोन विल बी मैक्सिमम क्योंकि जेड क्या था हमारे पास स्क्वायर आपने वी स्क्वायर को ही z माना था तो वॉल्यूम क्या हो गया मैक्सिमाइज हो गया अब आपको फर्दर सेकेंड पार्ट क्या सॉल्व करना है आपको शो करना है साइन इनवर्स वर्स वन अपॉन थ्री इज इक्वल टू थीटा ठीक है ये आपको शो करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर वन आपको गिवन है जो कि सरफेस एरिया की थी विच इज पाई आर आर प्लस एल और एक क्रिटिकल पॉइंट आपको मिल गया था फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू जीरो पुट करने पर यहाँ से हम एस की वैल्यू निकाल सकते हैं इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी फोर पाई आर स्क्वायर अब एस की वैल्यू इसके इक्वल भी है और एस की वैल्यू इसके इक्वल भी है तो हम दोनों को इक्वेट कर सकते हैं तो यहाँ से क्या रिलेशन आ जाएगा हमारे पास एल इज इक्वल टू थ्री आर ठीक है अब हमने ये क्यों निकाला है ये देखेंगे हमने फिगर बनाया था स्टूडेंट्स ये ये क्या था कौन था रेडियस हाइट एंड स्लांट हाइट एंड दिस इज द सेमी वर्टिकल एंगल तो सेम काम करेंगे जो हमने क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव में किया था इस ब्रैक इस ट्राइंगल को हम कन्वर्ट करेंगे इस तरीके से ठीक है ताकि ये जो थीटा है वो कहाँ जाए बेस पे आ जाए तो थीटा यहाँ आ गया ये जो हाइट थी परपेंडिकुलर थी ये क्या बन गया बेस बन गया ये जो रेडियस बेस था ये क्या बन गया परपेंडिकुलर बन गया और ये तो हाईपोटनेस तो एज इट इज़ रहेगी ठीक है अब इस ट्राइंगल में आप साइन थीटा लगा सकते हो साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटनस और परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे आर और, और हाईपोटनस के यहाँ पे एल तो आर अपॉन एल आ गया तो इसीलिए हमने यहाँ पे एल की वैल्यू निकाली थी इन टर्म्स ऑफ आर तो यहाँ पे एल की वैल्यू सब्सूट करेंगे तो क्या आ जाएगा 3r RCR cancel out we get sine theta is equals to 1 upon 3 or theta is equals to sine inverse 1 upon 3 that means semi vertical angle is equals to sine inverse 1 upon 3 hence proof we get the required result I hope it's clear students so if you enjoyed this session then give it a big thumbs up share it with your friends and don't forget to subscribe to my channel and hit the bell icon also so that you get the notification of my new upcoming videos Thank you so much keep supporting keep motivating.